नमस्कार, मुँ रत्नमंजरी धरित्री चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मु आज एक सुंदर मसला जातीय गच्छ पिपली गच्छ विषय कहिबी। ओडिया रे एहा को पिपली कहुतिला बेले हिंदी रे पिपली, इंग्रजी रे लॉन्ग पीपर, संस्कृत रे एहा को पिपली ओ मागथी बोली कहिथांती। संस्कृत ओ अन्य केतक पुराण साहित्य रे एहा को मागधी बोली कुहा जायछि। कारण एहा मगध बा बिहार राज्यर आग प्रचुर परिमाणरे मिलुथिला। एबे एहा पहाड़िया थंडा जागा मानकरे चाष करा जाउछि। एहा लता जातीय मसला गछ अटे। एहा सुगंधियुक्त बा आरोमेटिक अटे। भूई उपरे एहा लटे लटे माड़ी थाए, नचेत कौनसी गछर आश्रय नै बढ़ी थाए। पत्र एहार चिक्कण ओ तल भाग हल्का रंगर होइथाए। एही गछटी गोलमर्च गछर वंशर। औषधीय गुणरे भरपूर एहि पिपली। आयुर्वेदिक शास्त्ररे पिपली गोलमर्च ओ शुंठीर मिश्रणकु त्रिकुटा बा त्रिकटु बोली कहिथांती। त्रिकुटा चूर्ण बा त्रिकटु चूर्णकु सकाळे ओ संध्यारे एक चामच मात्रारे खाइले कोष्ठबद्धता दूर होइथाए। पिपली दुईटी, पुदीना पत्र चारि पांचटी, छोट अलैच दुई तीनटी को पानी रे सिझाई थंडा करी छाणी पीले बांति होइथिले बांति बंद होइ जाइथाए। पिपली चूर्ण, कलामरीच चूर्ण, शुंठी चूर्ण, सैंधव लवण समान मात्रारे नेई अल्प हेंगु मिसाई पानी रे गोली पेटरे लेप देले पेट व्यथा दूर होइथाए। पिपली चूर्ण को पुरुणा गुड़ सहित खाइले मंदाग्नि ओ अजीर्ण रोगरे लाभ मिलिथाए। समस्त गुणरे भरपूर एही लता जातीय गछ पिपली गछ। एही गछटी को घरे आनी लगांतु। रहुची पुणी एक नुआ गछ को नै आसिबी। नमस्कार।